नवाज शरीफ साहब ने ये ऑक्ट्रॉय तमाम बल्दियात से लेके वफाक में शामिल कर लिया और बल्दियात से कहा गया कि इसके अवेज आपको वफाक पैसे देगा, रकम बता दी और ये भी बता दिया कि हर साल इसमें इतना इजाफा होगा। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसा वफाक तो देता है लेकिन वफाक देता है सूबे को और सूबा वो पैसा नहीं देता केएमसी को, उसमें अपना पैसा नहीं है। एमक्यूएम राबता कमेटी डिप्टी कन्वीनियर और सिंध असेंबली में पार्लियामेंट्री लीडर कुंवर नवीद जमील ने कहा है कि सूबाई हुकूमत जिस तरह कराची के वसाइल पर कब्जा करके मेयर कराची वसीम अख्तर को काम नहीं करने दे रही है और फंड्स रोक रही है, एमक्यूएम जल्द सिंध हुकूमत का मुहासबा और घेराव करने का ऐलान कर सकती है। अगर सूबाई हुकूमत का यही वतीरा रहा तो मेरे ख्याल में कराची के शहरियों के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपने घरों से निकलें। कराची से के पैसे से चलने वाली इस सूबाई हुकूमत जो कराची को एक पैसा देने के लिए उसकी तबीयत ख़राब होती है, उनका मासबा करें, उनका घेराव करें और एमक्यूएम इसके बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत केएमसी के 1 अरब रुपए महाना फंड में से 50 करोड़ जारी कर रही है और सालाना तरक्याती फंड्स की भी 2 क्वार्टर्स की रकम रोक ली है जिससे मेयर कराची वसीम अख्तर को शहरी मसाइल हल करने में परेशानी हो रही है। उस ऑक्ट्रॉय और जिला टैक्स के मुताबिक हर महीने केएमसी को 1 अरब रुपए मिलने चाहिए और उसके बदले में सूबाई हुकूमत 50 करोड़ रुपए देती है और ये जो 2 किस्तें रुकी हुई हैं 6 महीने के पैसे जो रुके हुए हैं, जो आधे साल के पैसे रुके हुए हैं, ये पैसे उन 50 करोड़ में से रुके हुए हैं। जो 50 करोड़ रुपए हर महीने जो ये वफाक से ले लेते हैं और केएमसी को नहीं देते वो तो एक तरफ रहा और जो 50 करोड़ देने होते हैं उनमें से भी 6 महीने के पैसे अभी इनके पास पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि वसाइल ना होने के बावजूद मेयर कराची शहरियों के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं ये लायक तहसीन है। जिस तरह केएमसी के साथ सिंध हुकूमत का रवैया है इस तरह इदारे नहीं चलते हैं। वसीम अख्तर भाई के दिल में तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं कि कराची के लिए बहुत कुछ किया जाए लेकिन हर किया जाने वाले काम के लिए वसाइल की जरूरत होती है, हर मुकम्मल किए जाने के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत होती है और कम पैसा नहीं करोड़ों में अरबों में। ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स की मद में विफाक से मिलने वाली रकम जिस पर बल्दियाती इदारों का हक है लेकिन सिंध हुकूमत इन फंड्स को रोक कर बल्दियाती इदारों को तबाह कर रही है। हुकूमत सिंध के पास केएमसी का आधा पूरे साल का आधा बजट है जो कि देना है केएमसी को और ये सिर्फ डेवलपमेंट का पैसा नहीं है, इस पैसे में तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें शामिल हैं, तमाम स्कूलों के अब तमाम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, दीगर स्टाफ की, दवाओं के पैसे शामिल हैं। इदारों को चलाने के लिए जो पैसे दरकार होते हैं, यूटिलिटी बिल्स के लिए दरकार होते हैं, सफाई सुथराई के लिए दरकार होते हैं, वो सब पैसे शामिल हैं। सूरत हाल से वसीम अख्तर ने राबता कमेटी को आगाह कर दिया है, जल्द ही सिंध हुकूमत का घेराव करेंगे और हिसाब लेंगे। हुकूमत सिंध के वुज़रा खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने केएमसी को इतने पैसे दे दिए जबकि हुकूमत ने केएमसी को एक पैसा भी नहीं दिया है।